फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई.com में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की या बालकों की सहायता हेतु आसान तरीके। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो देखने के बाद कि कैसी लगी आपको वीडियो। और आप अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जान लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हमारा टॉपिक ये है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सहायता हेतु आसान तरीके। तो सामान्यतः अगर हम देखें, सामान्य रूप से देखा जाए तो 6 क्षेत्र निर्णायक होते हैं जिसमें हम सहायता कर सकते हैं बालकों की, जो जिसमें इन 6 क्षेत्रों में विशेष बालक या विशिष्ट बालक पाए जाते हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं। जैसे दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित, गतिशीलता, संप्रेषण, सामाजिक भावात्मक संबंध और बुद्धिमत्ता। इसके अतिरिक्त एक आर्थिक रूप से देखा जाए तो सुविधा वंचित बच्चे भी विशेष होते हैं। आर्थिक रूप से जो सुविधा वंचित बच्चे होते हैं वो भी विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण वे जीवन के कई अनुभवों से और सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो वे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही काम शुरू करना पड़ता है ताकि वे अपने परिवार की आय बढ़ा सकें। इसके अलावा जो लड़कियां हैं उन्हें घर पर ही रख लिया जाता है ताकि वे अपने छोटे भाई बहन या घर के बच्चों का ध्यान रख सकें और घर के काम काज कर सकें। तो फ्रेंड, कोई बच्चा या व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में से एक भी या उससे अधिक क्षेत्रों में कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह विशिष्ट बच्चा कहलाता है। इन सभी में से कोई एक क्षेत्र में भी, मतलब इन सभी में से कोई एक क्षेत्र आप ले लीजिए, उसमें से अगर कठिनाई व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है तो बाधा उत्पन्न कर सकती है और व्यक्ति को इस असमर्थता से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है और उन्हें सहायता की भी आवश्यकता होती है। उन्हें खुद भी प्रयास करने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ उन्हें दूसरों की सहायता की भी आवश्यकता होती है। तो कैसे हम उनकी सहायता कर सकते हैं, तरीका क्या क्या हो सकता है, ये इस वीडियो में जानेंगे हम। तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें देख लेते हैं हम, जो है छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाया जाए। जो विशिष्ट बालक है, विशेष आवश्यकता वाले बालक, उन्हें छात्रों में आगे बैठाया जाए, पंक्ति में आगे बैठाया जाए। कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार किया जाए कि जिसमें कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले बालकों के समूह बने और जिससे पारस्परिक अधिगम द्वारा लाभान्वित हो सके बच्चे। निर्धारित कार्यों को खंडों में विभाजित करके छात्रों को एक एक समय पर एक ही खंड दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए गणितीय सवालों से भरा पूरा पन्ना देने के बजाय, जो कि छात्र को हतोत्साहित कर सकता है, प्रश्न पत्र को काट कर आधा करें और छात्र को आधा प्रश्न पत्र ही हल करने को कहें। इसे पूरा कर लिए जाने के बाद वापस ले लें और तब दूसरा आधा प्रश्न पत्र को दें। मतलब अगर कोई पूरा एक पन्ना का भरा पड़ा है मैथ का सवाल, तो उसको पूरा पेज होमवर्क या क्लास वर्क में ना देके आधा ही दे और आधा दूसरी बारी में दे। इसके अलावा छात्र के ध्यान आकर्षण के लिए संकेतों का प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए चमकीले रंगों से रंगे कागज ऊपर उठाना, उससे भी बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि रंग बिरंगे चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। मेज थपथपाना, जिससे बच्चा इधर उधर देखता है तो जो मेज थपथपा रहा है उसकी ओर देखने लगता है। कंधे पर स्पर्श करना, तो बच्चे का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा निर्देशन देने से पूर्व आँखों में आँखें डालकर संपर्क बनाए रखना और यथासंभव दृश्यमान और मौखिक संकेतों का उपयोग करते हुए छोटे और प्रत्यक्ष निर्देश देना। इसके अलावा उत्तेजना और बेचैनी घटाने के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनमें उत्तेजना और जो बेचैनी होती है उसे घटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मामूली अनुचित व्यवहारों को उपेक्षित करें, तत्काल परिणाम प्रदर्शित करें, जो भी वो करें उनका तत्काल परिणाम दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। कक्षाओं या गतिविधियों के मध्य आवागमन की निगरानी करें, ध्यान देते रहें कक्षाओं में उनकी गतिविधियों में, बीच बीच में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यथासंभव सकारात्मक व्यवहारों का संज्ञान लें, उनके साथ पॉजिटिव बिहेव रखें, व्यवहारों के लिए समझौते की स्थापना करें और तथा निगरानी कराएं, उनके व्यवहार के लिए समझौता करें, उनका जैसा बिहेव है उस तरीके से हम अपने आप को ढाल लें और उनके जैसा
अगर हम उनसे व्यवहार करने लगे तो इससे हम उनकी जो बेचैनी होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उससे बालक को ये लगेगा कि ये भी मेरे ही जैसे हैं, तो हम उनसे आराम से बातचीत कर सकते हैं, उनके जैसा व्यवहार हम उनके साथ करें। और निगरानी भी रखें ताकि बालक के व्यवहार की, क्योंकि व्यवहार अच्छी नहीं बुरी भी हो सकती है, तो उसकी अच्छी आदतों पर ध्यान दें, बुरी आदतों को उससे दूर करने की कोशिश करें। बच्चों की आत्मावलोकन तकनीकें सीखने में मदद करें। इसके अलावा अति सक्रियता से निपटने के लिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं उससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, छात्र को समय समय पर खड़े होने दें। मतलब क्लास में टीचर अगर सवाल करते हैं तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ज़्यादा तेज तीव्र बुद्धि के होते हैं, वही बार बार खड़े होते हैं, पर जो अगर क्लास में विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाला बालक है, विशिष्ट बालक है, तो उन प्रतिभाशाली बच्चों को खड़े न होने दें, बल्कि जो बच्चा विशेष है उसे बार बार खड़ा करने की कोशिश करें। सौंपें ये कार्य कराएं, उन्हें जो कार्य दिया गया है उसे अधूरा न रखकर उनसे करवाएं। इसके अलावा शैक्षणिक सफलता में सुधार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कार्य पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराएं, उनको और थोड़ा एक्स्ट्रा समय दें। निर्धारित कार्यों के आकार घटाएं, जो कार्य उनके लिए बनाए गए हैं उससे थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कराएं। इसके अलावा शिक्षण की बहुसंवेदी पद्धतियों का उपयोग करें, जैसे दृश्यमान, मौखिक और स्पर्शिका, इन पद्धतियों का उपयोग करें। कार्य पूरा कर लिया गया हो तो छात्र को इसे जाँचने के लिए स्मरण कराएं। जब बालक को होमवर्क कर ले, क्लास वर्क कर ले, तो उसे इस बात का स्मरण करवाएं कि वो अपना कार्य करने के बाद एक बार जांच ले कि क्या गलत है और क्या सही। छात्र को आत्मावलोकन तकनीकों के द्वारा सीखने में सहायता करें और निर्धारित कार्यों के दैनिक प्रपत्रों का प्रयोग करें। आगे है दोस्तों संगठनिक कौशलों में सुधार के लिए अभिभावकों की मदद सुनिश्चित करें। निर्धारित कार्यों के दैनिक प्रपत्रों का प्रयोग करें। हर चीज़ के लिए एक नोटबुक का उपयोग करें और नोटबुक को अक्सर जांचें और अच्छी नोटबुकों पर सकारात्मक नोट्स लिखें। इससे संगठित कौशलों में सुधार हो सकता है। और कक्षा प्रबंधन और शिक्षण में सुधार के लिए अन्य उपयोगी तकनीकों में निम्न शामिल है, जैसे निर्धारित कार्यों में कटौती या बदलाव करें, कार्य पूर्ण किया जाना बाकी होने पर समय सीमा बढ़ाएँ। इसके अलावा विशेष सामग्री का उपयोग करें जो क्षमताओं को प्रोत्साहित और समृद्ध करने वाली हो, जैसे ग्राफ पेपर, फेल्ट टिप मार्कर्स, विशेष रेखाओं वाले कागज़ इत्यादि। ये विशेष सामग्री होती हैं, इनका उपयोग करें जिससे उनकी जो क्षमता होती है वो प्रोत्साहित होती है, बालकों की क्षमता और ज़्यादा प्रोत्साहित होती है और अपनी वो और ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, रुचि लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड दृश्य सामग्री का अधिक उपयोग करें, जो श्रव्य, दृश्य, ये सब सामग्रियाँ होती हैं उसमें दृश्य सामग्री का उपयोग करें, जैसे टेलीविज़न वगैरह हुई। परीक्षण का मौखिक वाचन करें। निबंधात्मक उत्तर पूर्ण करने के बजाय परीक्षणों के बहुविकल्पों या सही गलत संस्करणों का उपयोग करें। मौखिक रिपोर्ट की मांग करें और लिखित के बदले में उनसे मौखिक रिपोर्ट की मांग करें। बालकों से रिपोर्टों के बजाय विशेष परियोजनाओं को स्वीकृत करें। रिपोर्ट न लेके कुछ विशेष, जैसे स्पेशल वो बनता है ना, प्रोजेक्ट वगैरह, ऐसा बच्चों से मांग करें। विशेष उनसे बोलें कि कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट बना के लाओ जिससे उनकी तर्क शक्ति वगैरह बढ़ सकती है। गुणात्मक व अन्य सारणियाँ उपलब्ध कराएँ, ऐसे शब्दों की सूची उपलब्ध कराएँ जिनको लिखने में आमतौर से त्रुटियाँ की जाती हैं। त्रुटियाँ की जा सकती हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे जब बालक लिखेगा और गलती करेगा तो बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, तो उसके अंदर भी जो चीज़ें वो नहीं लिख पाता, दोबारा से गलत लिखेगा तो टीचर उसे समझाएं कि ये गलत है, इसे ऐसे लिखना है, तो उनकी जो गलतियाँ उसमें सुधार होंगी। शिक्षक, छात्र और अभिभावक के मध्य कारगर प्रदर्शन निर्मित करें। कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो कक्षा में हर विषय की कक्षा में सहभाग करें। एक चरण वाले छोटे सरल दिशा निर्देश दें। छात्र के नाम से पुकारते हुए स्मरण कराएं कि उसे अलग प्रश्न का उत्तर देना है। छात्र का नाम लेते हुए बताएं कि जो दूसरा प्रश्न है या अलग प्रश्न है उसका उत्तर उसे देना है। इसके अलावा सूचना के मुख्य बिंदुओं को समझाने में छात्र की सहायता के लिए हाईलाइटिंग और रंगों का उपयोग करें।
सर्व प्रमुख रूप से सकारात्मक सुदृढ़ता का नियमित उपयोग करें, इसके लाभ जीवन पर्यंत साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ तरीके जिनसे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।